हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता छिपा फ्रॉम न्यू एरा कोचिंग। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के नेक्स्ट पार्ट से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले पार्ट्स में जो है हमने हार्ट की अनाटमी को काफ़ी अच्छे डिटेल में पढ़ा था, तो आज हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल्स की, हार्ट साउंड्स की और ECG की। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल स्टार्ट करने से पहले हम हार्ट की अनाटमी और किस तरीके से ब्लड का फ्लो होता है और किस तरीके से हार्ट में रिदम्स जनरेट होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो है आपको कार्डियक साइकिल समझने में आसानी होगी। और जहाँ तक मैं आपको सजेशन करूँगी कि आप मेरे वीडियोज़ जो है वो कंटिन्यूसली देखें, तो आपको जो है वो एक लिंक मेंटेन रहेगी। अदरवाइज़ जो लोग जो है वो स्पेसिफिकली कार्डियक साइकिल उठा करके पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों को कार्डियक साइकिल में बहुत डाउट्स होते हैं, बेसिकली के लिए क्योंकि कार्डियक साइकिल एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इवेंट है ना। और कई बुक्स जो हैं वो उसको काफ़ी कंसाइज करके दे देती हैं, या फिर इनएक्यूरेट या फिर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रहती है, तो बच्चों को समझ नहीं आ पाता है। तो मेरा तो आप लोगों को ये सजेशन रहेगा कि आप वीडियोज़ जो है वो सीक्वेंस में देखें। अदरवाइज जो लोग सिर्फ कार्डियक साइकिल पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक हार्ट का एक बहुत ही सिंपल डायग्राम ड्रॉ किया है। इनफैक्ट जो मैंने लास्ट वीडियो में जब आपको हार्ट की अनाटमी पढ़ाई थी, उससे भी कई ज़्यादा सिंपल डायग्राम है ये, है ना। तो बात करते हैं हार्ट की अनाटमी की। तो बेसिकली हार्ट, ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं, यदि मैं राइट की बात करूँ तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट की बात करूँ तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके अलावा जो हमारा हार्ट है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, हार्ट का मेन फंक्शन जो है वो आपके जो बॉडी का ब्लड होता है उसको पंप करना होता है ना। तो फिलहाल जो है मैं इस डायग्राम में यदि आप लोगों को पूरा एक कार्डियक साइकिल यदि एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो सबसे पहले क्या होता है कि ये मैंने आप लोगों के लिए टिश्यूज ड्रॉ किए हैं। तो टिश्यूज का क्या फंक्शन होता है कि टिश्यूज जो है वो ब्लड से ऑक्सीजन लेकर के CO2 रिलीज कर देते हैं, है ना। तो उस CO2 को जो है ब्लड लेकर के जाके वापस से हार्ट में ड्रेन कर देता है, क्योंकि हार्ट जो है वो पंप की तरह काम करता है। ब्लड में इतनी ज़्यादा खुद के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो खुद जा कर के लंग्स के पास चला जाए, है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का एक वैस्क्यूलेचर होता है, मतलब एक पूरा का पूरा पाइपलाइन होती है जैसे कि, तो वो क्या करते हैं, जो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज से मिलके बनती है, तो बेसिकली क्या करते हैं कि वो पूरी बॉडी में से आपके कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ला करके राइट एट्रियम में ड्रेन कर देते हैं। और ऐसे तो बहुत सारी वेन्स होती हैं, फिर वेन्स जो है वो अल्टीमेटली मिलकर के एक ग्रेटर वेन बनाती हैं, जिसको कि हम वेना कैवा बोलते हैं। वेना कैवा ला करके ब्लड को आपके राइट एट्रियम में ड्रेन करती है, राइट एट्रियम से आपका ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। और इन जो यहाँ का राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, यहाँ पे उसको गार्ड करने के लिए जो वेल्व्स होते हैं उनको आप बोलते हो ट्राइक्यूस्पिड वेल्व। यहाँ पे मैंने आपके लिए येलो कलर से जो 3 वेल्व लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, तो बेसिकली ये मैंने आपके लिए ट्राइक्यूस्पिड वेल्व ड्रॉ किए हैं। फिर राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, ब्लड जो है वो आपका लंग्स में पहुँचता है। अब लंग्स का मेजर फंक्शन क्या है, लंग्स का मेजर फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे जब CO2 रिच ब्लड पहुँचा लंग्स में बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, तो लंग्स जो है वो उस CO2 को ऑक्सीजन के साथ एक्सचेंज कर देता है। और जहाँ पे ये जो मैंने ब्लू सिस्टम में पूरा एक कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ड्रॉ किया है, उसके बाद फिर वो एक्सचेंज होकर के रेड सिस्टम में जो है मैंने ऑक्सीजन रिच ब्लड ड्रॉ किया है ना। अब सवाल उठता है पल्मोनरी आर्टरी का, तो बेसिकली दिस इज अ ओनली आर्टरी ऑफ योर बॉडी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अदरवाइज आर्टरीज जो रहती है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आपका बॉडी का इकलौता एक्सेप्शन है ना। अब क्या होता है कि CO2 गया लंग्स में, ऑक्सीजन और CO2 के बीच में एक्सचेंज हो गया एट द लेवल ऑफ, यस हाँ, मैंने आप लोगों को जो है वो रेस्पिरेट, आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि एट दी लेवल ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई आर द बेसिक साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये आपका नीट में भी क्वेश्चन आता है। तो अब यहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो आकर के लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन होता है, लेफ्ट एट्रियम से जो है आपका ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल ही आपके हार्ट का वो पार्ट है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। यही रीज़न है कि जो लेफ्ट एट्रियम की वॉल्स रहती हैं वो काफ़ी थिक रहती हैं। क्यों? क्योंकि लेफ्ट एट्रियम को पूरा फोर्स लगा करके ब्लड को एओर्टा के थ्रू आपके पूरे बॉडी में वापस से सर्क्यूलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा ब्लड का जो पाथवे होता है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरीके से
जो है वो एक्शन पोटेंशियल्स का जनरेशन होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक ये ऑरेंज पैच ड्रॉ किया है, इसका नाम है आपका एसे नोड। तो ये जो ऑरेंज पैच मैंने ड्रॉ किया है ये है आपका एसे नोड। एसे नोड की लोकेशन क्या होती है दोस्तों? एसे नोड की लोकेशन होती है आपके राइट एट्रियम के अपर मोस्ट कॉर्नर पे, ठीक है। दूसरा जो मैंने यहाँ पे ऑरेंज पैच ड्रॉ किया है वो है आपका ए बी नोड। ए बी नोड की लोकेशन क्या होती है? यस, एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे तरीके से उसके लिए एक नाम दिया है, लेफ्ट लोअर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम एट द जंक्शन ऑफ ए वी सेप्टम, ठीक है। जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है उस पे जो है ये ए वी नोड की लोकेशन होती है। ए वी नोड के बाद ये ऑरेंज पैच क्या है, ये जो ऑरेंज लाइन लाइक स्ट्रक्चर है पूरा, जिन लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो देखा है मैं उनसे तो बहुत एक्सपेक्ट करूंगी कि आप मेरे साथ ये आंसर दे रहे होंगे, क्योंकि मैंने उसमें एनाटॉमी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को, आई होप मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करी थी, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका बंडल ऑफ हेयर्स। एग्जैक्टली, आंसर सुनाई दे रहे हैं मुझे, आई होप आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा है ना। बंडल ऑफ हेयर्स के बाद में फिर क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, राइट और लेफ्ट। तो इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो पुर्किंजे फाइबर्स। ठीक है, फिर ये जो पुर्किंजे फाइबर्स हैं ये माइक्रो फाइबर्स सर्कुलेट करके, ये जो मैंने ड्रॉ किए हैं ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरे अच्छे तरीके से सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एसे नोड का क्या फंक्शन रहता है? एसे नोड का फंक्शन होता है प्राइमरी। ये क्या करता है, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है एट द रेट ऑफ 70 to 75 पर मिनट, ठीक है। एसे नोड इज द प्राइमरी साइट फॉर द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। और यही कारण था कि मैंने बताया था कि हार्ट जो है वो दो टाइप के होते हैं, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक, जिसमें से हम ह्यूमंस का हार्ट जो है वो मायोजेनिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का काम खुद हमारा हार्ट करता है। ब्रेन जो है वो ब्रेन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके नहीं देता है हार्ट को, ब्रेन जो है वो सिर्फ रेगुलेट कर सकता है हार्ट के रेट को। ब्रेन चाहे तो हार्ट के रेट को बढ़वा सकता है, कम करवा सकता है, पर जनरेट कौन करता है? खुद हार्ट करता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की कैपेसिटी होती है वो होती है एसे नोड के पास। कितनी होती है दोस्तों? 70 to 75 पर मिनट्स। और यदि आप लोगों ने एक जीके के नाम पे एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ा होगा तो सभी जानते होंगे कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ हार्ट बीट, मतलब आपका जो हार्ट बीट है वो उसका रेट क्या है, आपका दिल जो है वो एक मिनट में कितने बार धड़कता है ना। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपसे सवाल पूछा है, तो इसका आंसर है 72 बीट्स पर मिनट। ये सारी आइडियलिस्टिक और मतलब कंडीशन लेकर के चला जाता है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोला गया कि जब आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, ये नॉर्मल कंडीशन है। एक एवरेज मान के चलते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो 72 बार एक मिनट में धड़कता है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में कोरिलेशन है। तो बेसिकली जो ऐसे नोड है ये आपके हार्ट के पेस को बनाता है। पेस आप जानते हैं ना, गति, रिदम है ना, तो उसको आप पेस बोलते हो। तो ऐसे नोड जो है वो आपके हार्ट के पेस को बनाता है, तो इसकी वजह से हम ऐसे नोड को क्या बोलते हैं? पेस मेकर। एग्जैक्टली, तो क्या सिर्फ ऐसे नोड के पास कैपेसिटी होती है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की? नहीं, ए वी नोड के पास भी होती है, पर ए वी नोड के पास थोड़ी कम होती है। कितनी होती है? 40 पर मिनट, ठीक है। तो जब आपका ऐसे नोड काम करना कम कर दे या फिर काम करना बंद कर दे तो हार्ट की चलने की बागडोर है वो किसके हाथ में चली जाती है? वो चली जाती है ए वी नोड के हाथ में। पर उस टाइम ये रहता है कि आपका हार्ट जो है वो इतनी इफेक्टिवली बीट नहीं कर पाता, तो वो जो है वो बीट तो करता है पर थोड़ा कम बीट करता है ना। उसके बाद में फिर ये पूरा का पूरा जो आपकी एक्शन पोटेंशियल्स है वो ऐसे नोड से जनरेट होते हुए ए वी नोड के पास जाती है, और ए वी नोड से होते हुए बंडल ऑफ हेयर्स उसके बाद में फिर पूरे के पूरे मस्कुलेचर में स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से एक मैंने आप लोगों को एक आउटलाइन दे दी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कहाँ होती है और एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड कैसे होती है, ठीक है। अब हम मेन बात करते हैं किसकी, अब हम मेन बात करते हैं कार्डियक साइकिल की।
तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक आसान शब्दों में पूछना चाहूंगी कि कार्डियक साइकिल आखिर होता क्या है. व्हाट इज कार्डियक साइकिल? साइकिल है मतलब कुछ ना कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स है, कुछ ना कुछ चल रहा होगा जिसको मिला करके हमने एक साइकिल बोल दिया. तो बेसिकली यदि मैं सबसे आसान शब्दों में बात करूं तो कार्डियक साइकिल जो है वो एक हार्ट बीट से लेकर के दूसरी हार्ट बीट के बीच में होने वाले इवेंट्स का नाम है. ठीक है, व्हाट इज कार्डियक साइकिल? कार्डियक साइकिल जो है वो एक हार्ट बीट से दूसरी हार्ट बीट के बीच में होने वाले इवेंट्स का नाम है. आपने कभी यहाँ पे जब अपने हार्ट पे हाथ रख के देखा होगा तो आपको फील आया होगा कि भाई हार्ट बीट्स चल रही हैं आपकी, आप जिंदा हैं, है ना. तो जिंदा होने का मतलब एक बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंस है जब आपकी हार्ट बीट चल रही है. ठीक है, कि आप जिंदा हो, क्योंकि आपका जो हार्ट है वो एक बार सबसे पहले आपकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में धड़कना स्टार्ट हो जाता है. व्हेन यू आर इनसाइड योर मदर्स वूम, जब आप अपनी आपकी जो इंट्रा यूट्राइन लाइफ होती है तब से आपका हार्ट जो है वो बीट करना स्टार्ट कर देता है एंड इट कंटिन्यूज टू वर्क टिल योर डेथ. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेहनत यदि कोई कर रहा होता है ना कंटिन्यूसली, इवन यू आर स्लीपिंग, इवन यू आर ईटिंग, इवन यू आर फाइटिंग, सबसे ज़्यादा मेहनत जो है वो आपका हार्ट करता है. ठीक है, तो ज़्यादा गुस्सा मत करो वरना हार्ट को जो है वो ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी. तो गुस्सा अवॉइड करो. ओके, तो व्हाट इज कार्डियक साइकिल? कार्डियक साइकिल आर सीरीज ऑफ इवेंट्स बिटवीन योर टू हार्ट बीट्स. ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन, सबसे ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन मैंने जो है आपको यहाँ पर बताई है. अब मैंने आपको क्या बताया था कि व्हाट इज़ अ रेट, मतलब किस गति से जो है आपका हार्ट धड़कता है. ठीक है, व्हाट इज़ अ रेट, तो मैंने बताया था आपको 72 बीट्स पर मिनट, है ना, ये बताया था मैंने आपको. तो मिनट्स को जो है हम सेकेंड्स के साथ में रिप्लेस कर देते हैं. तो एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? प्लीज़ इसका मैं बिल्कुल भी गलत जवाब नहीं सुनना चाहूँगी. यदि आप इसको भी गलत जवाब बता रहे हो तो आई डोंट नो. ठीक है, तो एक मिनट में ऑफकोर्स 60 सेकेंड्स होते हैं. ठीक है, तो 72 बीट्स पर मिनट. ठीक है, तो 60 सेकेंड्स में जो है हमारा हार्ट 72 टाइम्स धड़कता है. तो एक बीट में कितना टाइम लगेगा, इसका रिवर्स कर दो. Equals to 0.8 second. तो what is the duration of your single cardiac cycle? The duration of your single cardiac cycle is 0.8 second. कैसे निकाला हमने? आपका heart जो है वो 60 seconds में 72 times जो है वो action करता है. तो एक action के लिए कितना time लगेगा? Divide कर दो आप, तो आपको time आ गया 0.8 second. ठीक है, बहुत बहुत simple calculations थी. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कार्डियक साइकिल के दौरान हमें क्या क्या इवेंट्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो टर्म्स आपको बताऊंगी. पहली है आपकी सिस्टोल, दूसरी है आपकी डायस्टोल. सिस्टोल और डायस्टोल. सिस्टोल का क्या मतलब होता है? सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, सिस्टोल का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्शन. डायस्टोल का क्या मतलब होता है? डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन. ठीक है, तो पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल में हम जितनी भी बातें करेंगे ना वो इन दो टर्म्स के आसपास करेंगे. तो इन दोनों को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑलराइट, तो सिस्टोल का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्शन. डायस्टोल का क्या मतलब होता है? रिलैक्सेशन. अब सिस्टोल दो तरह का होता है, एक होता है आपका एट्रियल और एक होता है आपका वेंट्रिक्यूलर. ठीक है, तो सिस्टोल दो टाइप का होता है, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल. सिमिलरली डायस्टोल भी आपका दो टाइप का होता है. कौन कौन सा? एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल. ऑलराइट, तो हमारी पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल जो है वो इन पर बेस्ड है.
तो ये आप लोगों को चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपकी कार्डियक साइकिल डिवाइड रहती है, ठीक है। अब ये तो देख लिया कि भाई एट्रियल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, एट्रियल डायस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। अब किस इवेंट को हम कितना टाइम ड्यूरेशन अलॉट करते हैं, तो उसके लिए जो है मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अब मैं जो ड्रॉ करने जा रही हूँ आप प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि इससे आसान तरीका नहीं है कार्डियक साइकिल पढ़ने का, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप पहले तो दो सर्कल्स ड्रॉ कीजिए। आई होप मेरे सर्कल सर्कल्स की तरह दिख रहे होंगे, ऑल्दो मैं भी एक बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ बट मेरे डायग्राम्स इतने अच्छे नहीं हैं। ओके, अब इन दोनों सर्कल्स जो है इनको आप इस तरीके से 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। कितने पार्ट्स? 8 पार्ट, ठीक है। ऑल राइट, अब एक तरफ आप लिख दीजिए एट्रियम या फिर एट्रियल, ठीक है, एट्रियल। दूसरी तरफ आप लिख दीजिए आप वेंट्रिक्यूलर, ऑल राइट। इतना क्लियर है, दो सर्कल्स बनाने हैं आपको, उनको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक के ऊपर लिख दो आप एट्रिक्यूलर, दूसरे के ऊपर लिख दो आप वेंट्रिक्यूलर, ठीक है। अब आप मेरे साथ नंबरिंग करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ। एट्रियल वाले पार्ट में आप फर्स्ट पार्ट को जो है वो शेड कर दो, एट्रियल वाले में आप फर्स्ट पार्ट को जो है वो शेड कर दो, वेंट्रिक्यूलर वाले में आप सेकेंड थर्ड और फोर्थ पार्ट को जो है वो शेड कर दो, किसी को कोई डाउट? एट्रियल वाले में हमने फर्स्ट पार्ट को शेड किया, वेंट्रिकुलर वाले में हमने सेकेंड थर्ड और फोर्थ पार्ट को जो है वो शेड कर दिया, ऑल राइट। अब ध्यान करो मैंने आप लोगों को पहले क्या बताया था, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ सिंगल कार्डियक साइकिल। यस, हमने एक बहुत ही छोटा सा कैलकुलेशन भी किया था और उस कैलकुलेशन से हमको पता चला था कि एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड्स, है ना। तो हमने क्या यही 8 के फिगर को यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये बेसिकली 1, 2, 3, 4 नहीं है, ये बेसिकली आपका 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 6, 7 और 8। सिमिलरली यहाँ पे भी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8 सेकेंड्स, ठीक है। अब इससे आपको क्या समझ आ रहा है, दोनों ही साइकिल्स में जो है शेडेड पोर्शन है ना, ये आपके रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टोल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिस्टोल। इसमें भी ये शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टोल को। क्या समझे इससे? यदि अभी तक भी नहीं समझे मेरा इतना सारा हिंट करने के बाद तो फिर भाई ऑल राइट। तो एट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन क्या होता है? 0.1 सेकेंड, है ना। वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल का ड्यूरेशन क्या रहता है? 0.3 सेकेंड्स। हमने जो है यहाँ पे 3 पाइस को जो है वो हाईलाइट किया है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल का क्या ड्यूरेशन है? 0.3 सेकेंड्स। व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल डायस्टोल? एट्रियल डायस्टोल का क्या ड्यूरेशन रहता है? 2, 3, 4, 5, 6, 7.7 सेकेंड्स। व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल? डायस्टोल ध्यान रखो, वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोला है मैंने, रिलैक्सेशन। 1, 2, 3, 4, 5, 0.5 सेकेंड्स। आया कुछ समझ में? बैठा है ना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है इट्स ड्यूरेशन को याद रखना। अब हम क्या करेंगे, इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये आगे जा कर के हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल सिस्टोल? व्हाट इज़ ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल डायस्टोल? What is duration of ventricular systole? What is duration of ventricular diastole? अब फटाफट आप मुझे बताओगे और मैं यहाँ पर लिखते जाऊँगी, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल का क्या ड्यूरेशन है?
यस मुझे सुनाई दे रहा है, 0.1 सेकेंड्स। एट्रियल डायस्टोल का क्या ड्यूरेशन है? सही बोल रहे हो, 0.7 सेकेंड्स। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का क्या ड्यूरेशन है? क्या किसी ने 0.4 बोला? अरे बुद्धू, 0.4 तो बेसिकली आप लोगों को सिर्फ ये देखना है कि मैंने जो है यहाँ पे तीन पाइज को कवर किया है, ठीक है। चार पाए 0.4 तक पहुंचे, इसका ये मतलब नहीं है 0.4, आप तो ये देखो कि तीन पाइज को कवर किया, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ड्यूरेशन 0.4 नहीं है, 0.3 है। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल का क्या ड्यूरेशन है? ऑल राइट मैम, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो क्या ये जो इवेंट्स है एट्रियम के और वेंट्रिकुलर के अलग अलग चलते हैं? नहीं। क्या ये पूरा का पूरा 0.8 सेकेंड सिर्फ एट्रिया का मूवमेंट होता रहता है, वेंट्रिकुलर चुपचाप शांत बैठा रहता है, या फिर 0.8 सेकेंड पूरा का पूरा टाइम वेंट्रिकल मूव करता रहता है और एट्रिया एकदम शांत चुपचाप बैठा रहता है? ये दोनों ही इवेंट्स साथ में चलते हैं, दोनों जो है वो 0.8 सेकेंड्स के अंदर अंदर इन दोनों का ही सारा कार्यक्रम खत्म हो जाता है। तो इसको बताने के लिए मैं इन दोनों पाइज को जो है वो सुपर इम्पोज करूँगी। सुपर इम्पोज का मतलब तो जानते होंगे ना आप लोग? ऑफ कोर्स मैम, इतने गधे बच्चे थोड़े ना है हम लोग। ठीक है भाई, मैंने एक और सर्कल बनाया, ठीक है। वापस से मैंने उसके कितने कंपार्टमेंट ड्रॉ किए? 8 कंपार्टमेंट ड्रॉ किए। अब इसके अंदर मैंने एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्यों? मैं क्योंकि इन दोनों को जो है वो सुपर इम्पोज करना चाह रही हूँ। वापस से लिखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बाहर वाला जो सर्कल है ये एट्रियम के लिए है, अंदर वाला जो सर्कल है ये वेंट्रिकल के लिए है। क्लियर? बाहर वाला एट्रियम का रिप्रेजेंटेशन है, अंदर वाला वेंट्रिकल का रिप्रेजेंटेशन है। अब एट्रियम में मैंने कौन सा वाला पाई कलर किया था वो आप वहाँ जाकर के कलर कर दो। ये वाला किया था। वेंट्रिकल में कौन कौन से पाई कलर किए थे वो यहाँ जा कर के कलर कर दो। समझा कुछ? अब इस पूरे के पूरे इस डायग्राम से अब आप क्या डिड्यूस कर सकते हो? अब आप ये डिड्यूस कर सकते हो कि एट्रिया और वेंट्रिकल के ये सारे इवेंट्स जो हैं वो साथ में चलते हैं। किस तरह से चलते हैं? जब एट्रियल सिस्टोल होता है उस दौरान वेंट्रिक्यूलर का डायस्टोल होता है, जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है तो उस टाइम पे एट्रियल का डायस्टोल होता है। आया समझ में? अब मैम ये 1, 2, 3, 4 तो समझ में आ गया, 5, 6, 7, 8 में तो आपने किसी को भी हाईलाइट नहीं किया। 5, 6, 7, 8 में किसी को भी हाईलाइट नहीं किया, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इस दौरान एट्रियम का भी सिस्टोल चल रहा, एट्रियम का भी डायस्टोल चल रहा है मतलब रिलैक्सेशन, और वेंट्रिकल्स का भी डायस्टोल चल रहा है मतलब रिलैक्सेशन। तो इस फेज को मैं ग्रीन कलर यूज़ करूँगी। इस फेज को जो आपका 0.5 से 0.8 सेकेंड चलता है इसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। इस फेज को जो 0.5 से 0.8 सेकेंड चलता है इसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट मतलब साथ में, टुगेदर। तो इन दोनों का ही जब साथ में डायस्टोल चलता रहता है तो उस पूरे 0.4 सेकेंड्स के इवेंट को हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। आई होप अब आप लोगों के दिमाग में सारे इवेंट्स क्लियर हो चुके हैं। एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिक्युलर सिस्टोल, वेंट्रिक्युलर डायस्टोल, सबके ड्यूरेशंस और तो और जॉइंट डायस्टोल। यहाँ पे एक और चीज आप लिख सकते हो, सॉरी, जॉइंट डायस्टोल। और ये कितनी देर चलता है? ये चलता है आपका 0.4 सेकेंड्स। अब ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और इस तरीके से आप आसानी से समझ पाओगे जब मैं आगे आपको कार्डियक साइकिल की पूरी एक थ्योरी बताऊंगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब हम स्विच करेंगे हमारी मेन कार्डियक साइकिल के ऊपर, ठीक है। तो उसके पहले जो है हम थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। ठीक है,
तो जो लास्ट वाला सर्कल वाला डायग्राम था मैं उसको वापस से ड्रॉ करना चाहूंगी, बट थोड़ा सा छोटा, ठीक है, क्योंकि वो हमारे रेफरेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वापस से हम ड्रॉ करेंगे 4 लाइंस, फिर हम नंबरिंग करेंगे उनकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जैसा आप जानते हो कि बाहर वाला जो है वो एट्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंदर वाला जो है वो वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो है ये है आपका एट्रियल सिस्टोल, और ये जो है ये है आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ऑलराइट, इस डायग्राम में आई होप आपको कोई अब दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ मैं एक छोटा सा हार्ट का डायग्राम भी ड्रॉ करना चाहूँगी, ठीक है। अगेन ये आपका राइट एट्रियम, ये है आपका राइट वेंट्रिकल, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। साइमल्टेनियसली मैं कस्प भी ड्रॉ कर देती हूँ क्योंकि हमको कस्प की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है भाई। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी कार्डियक साइकिल के ऊपर। तो कार्डियक साइकिल की शुरुआत जो है मैं सबसे पहले करना चाहूँगी जॉइंट डायस्टोल से, ठीक है। शुरुआत हम किससे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जॉइंट डायस्टोल। क्या बताया था मैंने आपको, जॉइंट डायस्टोल कौन सा फेज होता है? जॉइंट डायस्टोल आपका पूरी कार्डियक साइकिल का वो फेज होता है जब आपके एट्रियम और वेंट्रिक्यूलर्स पूरे के पूरे चारों के चारों चैम्बर्स जो हैं वो रिलैक्स्ड स्टेट में रहते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, सब आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है, दोनों ही एट्रियम और दोनों ही वेंट्रिक्यूलर्स। ऑलराइट, तो जॉइंट डायस्टोल से हम शुरुआत करते हैं, जिसकी ड्यूरेशन हम कहाँ से निकालेंगे, जिसकी ड्यूरेशन हम यहाँ से निकालेंगे। तो क्या होती है वो ड्यूरेशन, वो होती है 0.4 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 0.4 सेकेंड्स। ऑलराइट, इतना समझा। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे जॉइंट डायस्टोल में, भाई सब शांत बैठे हुए, कहीं कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, कहीं कुछ भी खलबली नहीं मची है। अब अचानक से क्या होता है, अचानक से एकदम से वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। अब आप बोलोगे कि मैम पहले तो SA नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, उसके बाद आपने बताया था कि पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर वो जाता है आपके AV नोड पे, AV नोड के थ्रू वो जो है वो वेंट्रिकल्स में स्प्रेड होता है, फिर वेंट्रिकल्स जो है तब जा करके कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो मैम आप उल्टी कार्डियक साइकिल क्यों पढ़ा रहे हो? मैं आप लोगों को उल्टी कार्डियक साइकिल पढ़ा रही हूँ, ये बात सच है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने जॉइंट डायस्टोल से स्टार्ट किया है, फिर मैं वेंट्रिकल्स पे जा रही हूँ। उसका बेसिक रीज़न ये है कि फंक्शन जो है वो वेंट्रिकल्स का ज़्यादा इलेबोरेटिव है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो इसकी वजह से यदि आप उल्टी कार्डियक साइकिल पढ़ोगे तो आप लोगों के लिए चीज़ें समझनी थोड़ी आसान होंगी, और अल्टीमेटली उल्टी पढ़ो चाहे सीधी पढ़ो, आपके दिमाग में यदि चीज़ें क्लियर हैं तो आप MCQ कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि कार्डियक साइकिल उल्टी पढ़ना इज़ मच मोर सिंपलर। ओके, तो हम सबसे पहले बात कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जॉइंट डायस्टोल से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो वेंट्रिकल्स तक पहुंच गया, ठीक है। अब एक्शन पोटेंशियल जैसे ही वेंट्रिकल्स तक पहुंचा तो उसने क्या किया, उसने वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाया। तो वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। ऑल राइट, इतना समझा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने के इवेंट को बोलते हैं। ड्यूरेशन क्या होती है, ग्राफ से देख सकते हैं हम, 0.3 सेकेंड्स होती है। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर दो सब फेस होते हैं, एक होता है आपका सॉरी एक होता है आपका आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा होता है आपका पीरियड ऑफ इजेक्शन। मैंने क्या बोला, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड्स की होती है और उसके अंदर दो सब फेज होते हैं, पीरियड ऑफ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और पीरियड ऑफ इजेक्शन, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि वेंट्रिकल्स में जो है वो ब्लड भरा हुआ है, वेंट्रिकल्स में जो है वो ब्लड भरा हुआ है,
ज्वाइंट डायस्टोल के दौरान ऐसा हो, मतलब ज्वाइंट डायस्टोल के दौरान ऐसा रहता है कि वेंट्रिकल्स, ज्वाइंट डायस्टोल के पहले ही इवेंट इवेंट जो है वो वेंट्रिकल्स में आकर के ब्लड भर जाता है. तो आप बस इतना ध्यान रखो कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान, तो उनमें जो है वो ब्लड भरा रहेगा ऑलरेडी. ठीक है, तो अब वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. ऑल राइट, अब मैम यहाँ पे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोल रहे हैं? आइसोमेट्रिक मतलब आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब लेंथ. ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो वेंट्रिकल्स की लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं आता है. ठीक है, तो इसकी वजह से मतलब लेंथ या फिर जो वेंट्रिकल्स की थिकनेस ऑफ वॉल्स रहती है उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं आता है, तो उसकी वजह से हम आइसोमेट्रिक उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. कॉन्ट्रैक्शन ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्शन करने को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. अब मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले जब ब्लड के पाथवे को बताया था, तो मैंने क्या बताया था आपको कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो लंग्स में जाता है. राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, मैं यही लिख देती हूँ, लंग्स में जाता है. और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है. इतना क्लियर है? राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है आपका ब्लड. तो जब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि अंदर का वॉल्यूम कम हो जाएगा वेंट्रिकल्स का. ऑफ कोर्स आपने जब देखा होगा बलून, फूला हुआ बलून है, ठीक है, और बलून को आपने टाई नहीं किया है, ऊपर से जो उसकी ओपनिंग है वो खुली हुई है. अब आपने बलून इन्फ्लेट किया और उसको पकड़ा हुआ है, अचानक से जब आप पीछे से बलून को प्रेस करोगे तो क्या होगा, बलून का वॉल्यूम कम होगा और एयर जो है वो बाहर निकल जाएगी. जो भी अवेलेबल स्पेस होगी उस स्पेस से जो है एयर बाहर निकलेगी. उसी तरीके से यहाँ पे जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं, जब दोनों ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ब्लड जो है वो इनमें से निकल के कहीं और जाएगा. कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा, जिसको कि आप पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हो, और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के आपके टिश्यूज में जाएगा, जिसको कि आप सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हो. और ये ब्लड कौन सा होगा? ये ब्लड होगा आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों, ऑफ कोर्स, क्योंकि जब राइट वेंट्रिकल से निकल के लंग्स में जाएगा वो ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड होगा, और जब सिस्टमिक सर्कुलेशन से निकल के एओटा के थ्रू होते सिस्टम में जाएगा आपका, तो वो आपका ऑक्सीजनेटेड होगा. ठीक है मैम, ये चीज़ें क्लियर हो गई. तो उस फेज को जो है हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. अब इस दौरान क्या होता है कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो एक स्पेस ब्लड के निकलने का ये भी है. आई होप आप लोगों को दिख पा रहा होगा. ठीक है, एक स्पेस ब्लड के निकलने का ये भी है. मैंने क्या बोला कि जितनी भी पोटेंशियल स्पेस रहती है वहाँ से ब्लड निकलने की कोशिश करेगा. तो यहाँ पे तो दो तो हैं. दो कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी पल्मोनरी वेन और दूसरी आपकी एओटा. पर वैल्व के बीच में भी तो स्पेस है, तो वहाँ से भी जो है वो ब्लड बैकफ्लो होने की कोशिश करेगा. तो उस दौरान क्या होता है कि यदि ब्लड यहाँ से एट्रियम में पहुँच गया वापस, तो फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा नहीं पाएगा, है ना. तो हमारा जो कार्डियक साइकिल है वो इनइफेक्टिव हो जाएगी. तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है वो ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ है कि जैसे ही आपका आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा और ब्लड निकल के जाना चाहेगा, तुरंत ये सारे के सारे वेल्व्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे, ताकि ब्लड जो है वो सिर्फ आपके सर्कुलेशन में जाए, एट्रियम में वापस ना आने पाए, है ना. तो जैसे ही आपके ये वेल्व्स बंद होते हैं, आपका ट्राइक्यूस्पिड वेल्व बंद होता है, आपका बाइक्यूस्पिड वेल्व होता है, तो हार्ट में एक साउंड सुनाई देता है. ठीक है, ऑफ कोर्स ये आपके खुले हुए, सडनली बंद हुए, तो कौन सा साउंड सुनाई देगा आपको? लब लब. ठीक है, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देता है, जिसको आप बोलते हो लब. लब क्या है? लब है आपका फर्स्ट हार्ट साउंड. नेक्स्ट जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल में सेकंड जो देखने को मिलता है वो है आपका पीरियड ऑफ इजेक्शन. अब पीरियड ऑफ इजेक्शन का क्या मतलब होता है? पीरियड ऑफ इजेक्शन मतलब कुछ रिमूव कर देना, ठीक है, निकाल देना, तो उसको आप इजेक्शन बोलते हो. तो वही हुआ वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, वेंट्रिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट किए, कॉन्ट्रैक्ट किए तो लब साउंड आया, क्योंकि आपके वेल्स बंद हो गए, और ब्लड जो है पीरियड ऑफ इजेक्शन के टाइम पे ब्लड जो है वो निकल करके, वेंट्रिकल से निकल करके इधर उधर चला गया जहाँ पे भी उसको जाना चाहिए था, तो उस फेज को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ इजेक्शन. ठीक है, अब क्या हुआ कि आपका ब्लड जो है वो आधा, जो आपका ब्लड जो है वो थोड़ा सा आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन में पहुँच गया और आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच गया. अब क्या हुआ, अब आपकी वेंट्रिकल्स जो हैं वो खाली हो चुकी हैं.
अब कुछ भी चीज़ जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसके बाद रिलैक्स भी तो करेगी। कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में मसल्स तो रह नहीं सकती हैं, क्योंकि यदि आपको मसल की फिजियोलॉजी पता हो तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हमको एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम कोई भी मसल को अपनी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में नहीं रख सकते बॉडी, वरना क्या करेगी, ज़्यादा एटीपी कंज्यूम करेगी, बॉडी थक जाएगी और हार्ट तो वैसे ही बहुत जल्दी थक जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तो इसके बाद नेक्स्ट जो फेज होगा वो होगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितनी देर चलता है, अंदर वाले सर्कुल से आप जो है वो पता कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल चलता है आपका 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, अब इसके भी दो सब फेज होते हैं, कौन कौन से, जिस तरीके से आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसी तरीके से आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन भी होगा। और दूसरा होता है आपका पीरियड ऑफ ब्लड फिलिंग। क्लियर है? ठीक है, तो मैम क्या हुआ बेसिकली कि जब आपका वेंट्रिकल्स अब रिलैक्स करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में नहीं रह सकती है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसको रिलैक्स होना ही पड़ेगा। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है, आपके दोनों जो वेंट्रिकुलर चैम्बर्स हैं वो रिलैक्स करेंगे। अब क्या होता है, एक आपने थ्योरी हमेशा पढ़ी होगी हमेशा कि कोई भी चीज़, एयर ले लो, फ्लूइड ले लो, वो अपनी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करने को जाती है। एयर के कंटेक्स्ट में हम प्रेशर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फ्लूइड्स के कंटेक्स्ट में हम पोटेंशियल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा डीप फिजिक्स में मत जाओ, बट इतना हम जानते हैं कि भाई एक जगह का प्रेशर ज़्यादा है तो उस जगह से जो है वो लो प्रेशर की तरफ चीज़ें मूव करना चाहती हैं। अब वेंट्रिकल्स का क्या हुआ, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गई, उनका पूरा का पूरा जो है वो फ्लूइड निकल गया। ठीक है, अब वो वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, PV इक्वल्स टू NRT। ठीक है, इसका क्या सेंस है, इसका सेंस है कि P इज इनवर्स रिलेशन टू V। अब क्या हुआ कि अब जब वेंट्रिकल्स ने रिलैक्स करना स्टार्ट किया वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान, तो क्या हुआ, वॉल्यूम कम हुआ। ठीक है, सॉरी, वॉल्यूम बढ़ गया है ना, वेंट्रिकल्स अब रिलैक्स करने की कोशिश करेंगी तो क्या मतलब है, वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, तो क्या होगा कि ब्लड जो है वो वापस आने की कोशिश करेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो जिस उसने जो है वेसल्स में भेज दिया, लंग्स में भेज दिया, एओटा में भेज दिया, तो वहाँ का प्रेशर अब बढ़ गया, ब्लड वहाँ मूव कर गया। अभी क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि थोड़ी देर रिलैक्स करते भाई, थोड़ी देर हाथ मुंह धोते हैं, पानी वानी पीते, इतने में वो क्या देखते हैं कि ब्लड वापस आ रहा है वेसल से, इधर पल्मोनरी सर्कुलेशन से वापस आ रहा है, इधर पर सिस्टमिक सर्कुलेशन से वापस आ रहा है। तो वेंट्रिकल्स क्या करती हैं कि भाई गेट बंद करो, मैं अभी अभी काम करके फिनिश हुआ हूँ, तो अभी मैं वापस से ब्लड को लेना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो वो गेट बंद करते हैं। अब वो जो गेट बंद करते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके सेमी ल्यूनार वॉल्स। कौन से होते हैं वो, आपके सेमी ल्यूनार वॉल्स। सेमी ल्यूनार वॉल्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किए हैं, बट मैंने लास्ट डायग्राम में जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे पल्मोनरी वेन में होते हैं और यहाँ पे एओटा में होते हैं। ठीक है, वॉल्स का हमेशा फंक्शन होता है टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, वापस नहीं आना चाहिए ब्लड, है ना। तो क्या बोलते हैं दोनों वेंट्रिकल्स कि भाई हमने अभी तो रिलैक्स करना स्टार्ट किया और देखो ब्लड वापस आने लग गया, किस किधर से, पल्मोनरी सर्कुलेशन से और सिस्टमिक सर्कुलेशन से, तो गेट बंद करने की कोशिश करते हैं। गेट कौन से बंद होते हैं, सेमी ल्यूनार वॉल्व। तो उसकी वजह से कौन सा साउंड सुनाई देता है, उसकी वजह से सुनाई देता है आपको डब। क्लियर है दिमाग में, लब सुनाई दिया था जब ट्राइक्यूस्पिड और बाइक्यूस्पिड वाल्व बंद हुए थे, डब सुनाई देता है जब आपके सेमी ल्यूनार वाल्व बंद होते हैं। और बेसिकली सुनाई क्यों देते हैं, ताकि वाल्व बंद होते हैं और ताकि ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट किया जा सके। अब मैम ये क्या है, पीरियड ऑफ ब्लड फिलिंग। अब क्या हुआ, वेंट्रिकल्स आराम से जब बैठी हुई थी, उन्होंने बोला कि ठीक है अब हमारा रिलैक्स विलैक्स हो गया आराम से, अब वापस से ब्लड आ सकता है। तो इस दौरान क्या होता है, पीरियड ऑफ ब्लड फिलिंग में जो आपका ब्लड है वो एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ मूव करता है। ठीक है,
पीरियड ऑफ ब्लड फिलिंग में आपके जो ट्राइक्यूस्पिड और बाइक्यूस्पिड वाल्व हैं ये खुल जाते हैं और आपका ब्लड जो है वो एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ मूव करता है। और एट्रियम में ब्लड कहाँ से आ गया मैम? अभी अभी तो ब्लड गया था यहाँ से, ब्लड तुरंत जो है वो वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आकर के डंप होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स के थ्रू आकर के लेफ्ट एट्रियम में डंप होता है, ठीक है। तो पीरियड ऑफ ब्लड फिलिंग के दौरान ब्लड जो है वो आपका एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ मूव करता है और इस दौरान तकरीबन 70% ऑफ ब्लड जो है वो आराम से भर जाता है वेंट्रिकल्स में, ठीक है। तो इसकी वजह से और बेसिकली ऐसा रहता है कि ब्लड का जो फ्लो रहता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जो प्रेशर होता है ब्लड का वेंट्रिकल्स में या फिर मतलब आपके पूरे ही पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ब्लड एकदम स्पीड में जब फ्लो होता है ना वेंट्रिकल्स में तो उसकी वजह से आपको एक गशिंग साउंड सुनाई देता है, ठीक है। उस गशिंग साउंड को जो है आप बोलते हो S3, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है बट आप उसको S3 बोलते हो, ठीक है। तो एक गशिंग साउंड सुनाई देता है जैसे ही आपका ब्लड जो है वो एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो उसको आप बोलते हो S3। तो आई होप आपको ये तीन फेजेस अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। जॉइंट डायस्टोल एकदम सब रिलैक्स्ड कंडीशन में बैठे हुए हैं, फिर क्या हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल्स ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, ब्लड जो है वो चला गया, इधर से चला गया पल्मोनरी सर्कुलेशन में, इधर से चला गया सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और ताकि एट्रियम में वापस ना जा पाए तो हमने क्या किया, हमने ट्राइक्यूस्पिड और बाइक्यूस्पिड वाल्व को बंद कर दिया और उसके बंद करने से एक साउंड आया जिसको कि हम बोलते हैं साउंड लब, फर्स्ट हार्ट साउंड। फिर नेक्स्ट होता है आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल, उसमें क्या होता है वेंट्रिकल्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है तो वेंट्रिकल्स थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहती हैं, वो रिलैक्स करना चाहती है, उस फेज को बोलते हैं आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, और ताकि ब्लड वापस ना आ पाए उधर लंग्स से और उधर सिस्टमिक सर्कुलेशन से तो वो अपने सेमी ल्यूनर वॉल्व को बंद करती है तो उसकी वजह से जो साउंड सुनाई देता है उसको बोलते हैं डब। अब वेंट्रिकल्स में क्या हुआ, उन्होंने रिलैक्स किया, उनकी जो है वो वॉल्यूम बढ़ गई तो ब्लड जो है वो दोनों एट्रियम से वेंट्रिकल्स की तरफ एकदम स्पीड में मूव करता है, उसको आप बोलते हो गशिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। उस गशिंग ऑफ ब्लड की वजह से जो है एक साउंड आता है जिसको कि आप बोलते हो S3, और उस दौरान जो है वो वेंट्रिकल्स आपकी 70% जो है वो भर जाती हैं। अब क्या हुआ, वेंट्रिकल के हमने दोनों इवेंट्स देख लिए, अब हम मूव करेंगे हमारे एट्रियल इवेंट्स की तरफ। वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, नेक्स्ट है आपका एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल का क्या ड्यूरेशन रहता है, 0.1 सेकेंड, इस वाले बाहर वाले ग्राफ से हम पता कर सकते हैं। तो एट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन होता है 0.1 सेकेंड। अब सिस्टोल का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना। अब हमने इसके पहले क्या देखा था कि ब्लड जो है वो डायरेक्ट आकर के वेंस से और सीधा आकर के यहाँ वेंट्रिकल्स में डंप हो जाता है क्योंकि ये वाले वेल्व खुले रहते हैं, वो एट्रियम में रहता ही नहीं है, ठीक है, बहुत थोड़ी सी देर के लिए रहता है। अब क्या होता है कि एकदम से एक और एक्शन पोटेंशियल आती है और एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करती है, तो उस एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है वो बचा खुचा 30% ब्लड भी जो है वो वेंट्रिकल्स में मूव कर जाता है, ठीक है। एट्रियम जो है वो हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करती है, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आई एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया 0.1 सेकेंड के लिए, तो बचा कुछ जो 30% ब्लड है वो भी वेंट्रिकल्स में मूव कर जाता है। इसकी वजह से हमको साउंड सुनाई देता है S4, जो कि ये ब्लड बहुत थोड़ा सा होता है, 30% बहुत थोड़ा ब्लड होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये S4 जो है वो नॉर्मली ऑडिबल नहीं होता है, ठीक है। ऐसे तो आपके बहुत सारे हार्ट साउंड्स होते हैं बट आप लोगों के लिए जो है वो 4 हार्ट साउंड पता करना ही काफ़ी है, इसको हम कार्डिक साइकिल के बाद हार्ट साउंड को एक और बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि ब्लड आ ही रहा होता है वेंस के थ्रू, डायरेक्ट वो वेंट्रिकल्स में मूव कर ही रहा होता है, इतने में एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है तो एट्रियम का बचा खुचा ब्लड भी वेंट्रिकल में मूव कर जाता है अराउंड कितना, 30%, ठीक है, उसको आप बोलते हो S4। अब एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो अब एट्रियम को रिलैक्स भी करना पड़ेगा, उसको आप बोलते हो एट्रियल डायस्टोल, ठीक है। एट्रियल डायस्टोल जो है वो 0.7 सेकेंड्स तक चलता है,
ये हम पहले भी देख चुके हैं। और एट्रियल डायस्टोल जब चलता रहता है, मतलब एट्रियम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करी, उस दौरान वेंट्रिकल्स रेस्ट कर रही हैं, ठीक है। इस दौरान क्या हो रहा है, इस दौरान अराउंड 30% ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में मूव कर रहा है। अब क्या होता है, अब एट्रियम्स ने रिलैक्स करना स्टार्ट कर दिया और फिर वेंट्रिकुलर साइकिल स्टार्ट हो गई। कौन सी साइकिल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की साइकिल। ऑलराइट, ये जो है ये सारे इवेंट्स होते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ग्राफ के थ्रू हम एक और बार देख लेते हैं। उसके पहले एक जॉइंट स्टोल डायस्टोल के बारे में आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगी। ये जॉइंट डायस्टोल जो 0.4 सेकंड चलता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल बेसिकली क्या होता है कि आपका हार्ट का फंक्शन है कि उसको कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है, ठीक है। तो आपका हार्ट भी जो है वो एक टाइम के बाद जा करके थक जाता है, उसको भी थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है। तो जॉइंट डायस्टोल में जैसे मैंने आपको बोला कि चारों के चारों जो चैम्बर्स हैं वो नॉर्मल स्टेट में बैठे रहते हैं, तो यही वो फेज़ है जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है। जॉइंट डायस्टोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी बाकी की कार्डियक साइकिल इफेक्टिव होने के लिए। जिस तरीके से आप लोगों के लिए रात की 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है आपके दिन के बाकी के काम अच्छे तरीके से करने के लिए, उसी तरीके से हार्ट के लिए जॉइंट डायस्टोल बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी कार्डियक साइकिल इफेक्टिव कर सके। और जॉइंट डायस्टोल ही वो फेज होता है बेसिकली जब जो है वो हार्ट के चारों चैम्बर्स का प्रेशर जो है वो एक सा होता है। और जॉइंट डायस्टोल के दौरान जो है, जॉइंट डायस्टोल क्या आप लिख लीजिए, जॉइंट डायस्टोल क्या फेज है कि जो प्रेशर होता है वो सेम होता है चारों के चारों चैम्बर्स में। इसके अलावा जो आपके ट्राइक्यूस्पिड और वैक्यूस्पिड वेल्स होते हैं प्लस बाइक्यूस्पिड, ये आपके ओपन रहते हैं, ठीक है, ये आपके ओपन रहते हैं जॉइंट डायस्टोल के दौरान। वहीं जो आपके सेमी ल्यूनर वेल्व रहते हैं ये आपके क्लोज रहते हैं, समझा। तो जॉइंट डायस्टोल के क्या फीचर्स हैं, जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड चलता है, इस दौरान चारों चैम्बर्स का प्रेशर सेम रहता है, इस दौरान ट्राइक्यूस्पिड और बाइक्यूस्पिड वाल्व जो है वो ओपन रहते हैं ताकि ब्लड जो है वो आपका इधर पे से सिस्टमिक सर्कुलेशन इधर से पल्मोनरी में आकर के डायरेक्ट वेंट्रिकल्स में ड्रेन होता रहे। तो ये दोनों आपके ओपन रहते हैं और सेमी ल्यूनर वेल्व जो है वो आपके क्लोज रहते हैं। तो हो सकता है कि आपको विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द फीचर्स ऑफ द जॉइंट डायस्टोल, तो ये आपके 4 फीचर्स हैं। इसके अलावा और कोई भी फीचर आए तो आप मार्क कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब हम एक और बार कार्डियक साइकिल का रिवीजन करेंगे, इसके बाद हम कार्डियक वॉल्यूम्स देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक बात शुरू करी जॉइंट डायस्टोल से, जॉइंट डायस्टोल में सब आराम से बैठे हुए हैं। इसके बाद क्या हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में जो है वो वेंट्रिकल्स भरी हुई हैं तो उन्होंने ब्लड को पुश कर दिया। ब्लड को पुश किया तो दोनों ट्राइक्यूस्पिड और बाइक्यूस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं, ठीक है। बंद होने की वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड आता है, उसके बाद में वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स करती हैं, ब्लड जो है वो हार्ट से निकल करके पूरी बॉडी में फैल गया है। अब क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल के दौरान ही हार्ट में वापस से ब्लड आने की कोशिश करता है। नेक्स्ट होती है आपकी एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल में अराउंड 30% ऑफ फिलिंग हो जाती है वेंट्रिकल्स की। और एंड में होती है आपकी आर्टेरियल डायस्टोल, जो बहुत लंबा फेज होता है आर्टेरियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड्स का। ऑलराइट, और ये फीचर्स हो गए आपके जॉइंट डायस्टोल के। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो वॉल्यूम्स होते हैं वो रेगुलेट होते हैं। हार्ट के वॉल्यूम्स की यदि मैं बात करूं तो आप लोगों को जो है वो 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला है आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, व्हाट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो यहाँ पे बेसिकली हम किस डायस्टोल की बात कर रहे हैं, हम वेंट्रिकल के डायस्टोल की बात कर रहे हैं। तो वेंट्रिकल डायस्टोल के बाद क्या होता है कि आपके वेंट्रिकल्स में ब्लड भर चुका होता है, तो एंड डायस्टोलिक मतलब डायस्टोल के बाद का वॉल्यूम। तो ये अराउंड होता है आपका 120 ml, ठीक है। व्हाट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ द ब्लड प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के बाद हम बात करेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम की,
बेसिकली क्या होता है, वॉट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज इजेक्टेड बाय योर लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल कितना ब्लड इजेक्ट कर सकता है? तकरीबन 70 मिलीलीटर. ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, वो ब्लड कहाँ इजेक्ट करेगा? ब्लड वो इजेक्ट करेगा आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में. तो वॉट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय योर लेफ्ट वेंट्रिकल इन अ कार्डियक साइकिल. ऑफ कोर्स हम एक कार्डियक साइकिल की यहाँ पे बात कर रहे हैं. नेक्स्ट है आपका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. अब होता क्या है, 120 ml आया, 120 में से मैंने 70 जो है वो फेंक दिया, तो बचा कितना? अराउंड 50 ml. दिस इज योर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. वेंट्रिकल्स ने क्या किया, वेंट्रिकल्स के पास आया तकरीबन 120 मिलीलीटर ब्लड, जिसमें से उसने स्ट्रोक वॉल्यूम के दौरान 70 निकाल दिया. तो अब एक सिस्टोल के बाद, कॉन्ट्रैक्शन के बाद, द अमाउंट ऑफ ब्लड रिमेन इन द वेंट्रिकल्स आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज टर्म्ड एज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. तो ये एंड डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक जो है हम वेंट्रिकल्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, एट्रियम के रिस्पेक्ट में बात नहीं करेंगे. अब यहाँ पे एक और चीज देखने को मिलती है, वो है आपका इजेक्शन फ्रैक्शन. नेक्स्ट है आपका इजेक्शन फ्रैक्शन. ठीक है, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? इजेक्शन फ्रैक्शन ये होता है कि 120 आया, 120 में से मैंने कितना बाहर फेंक दिया, उसका जो मेजरमेंट है वो है इजेक्शन फ्रैक्शन. तो व्हाट इज इजेक्शन फ्रैक्शन? इट इज स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. यदि मैं इसकी वैल्यू देखूं तो इट इज 7/12 और 70/120. ठीक है, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है कि मेरे पास 120 आया, 120 में से मैंने बाहर 70 ml जो है वो इजेक्ट कर दिया, तो दैट इज इजेक्शन फ्रैक्शन. अब नेक्स्ट जो एंटाइटी है वो है आपकी कार्डियक आउटपुट, और ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट की जो NCERT में डायरेक्ट डेफिनेशन दी हुई है ना, उसी पे आपका जो है वो क्वेश्चन बन सकता है. कार्डियक आउटपुट, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन अ मिनट. अब इसके पहले जब हमने एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, आपके एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, इजेक्शन फ्रैक्शन, इन सब की हमने बात करी थी, ये हम एक कार्डियक साइकिल की बात कर रहे थे. ठीक है, जिसका ड्यूरेशन 0.8 सेकंड होता है. कार्डियक आउटपुट हम एक मिनट की बात करते हैं, जिसका ड्यूरेशन 60 सेकंड्स होता है. ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप किया गया वेंट्रिकल ने एक मिनट में. ठीक है, तो एक मिनट में वेंट्रिकल कितनी बार पंप करती है? 72 बार. और जब एक बार वेंट्रिकल पंप करती है तो कितना ब्लड निकलता है? अराउंड 70 ml. ये 70 ml आया कहाँ से, समझ में आ गया? 70 ml जो है वो बेसिकली आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होता है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू योर हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम. हार्ट रेट कितना होता है हमारा? 72 होता है. और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 होता है, अभी पहले देखा. तो ये तकरीबन आता है आपका 5 liters पर मिनट. यूनिट इंपॉर्टेंट है, मिनट. ठीक है, 5 liters पर मिनट. ml को जो है वो अल्टीमेटली मैंने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो इसकी अमाउंट कितनी होती है? 5 liters पर मिनट. सो व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? रिपीट आफ्टर मी, अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल इन अ मिनट. अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ कि अराउंड हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है ना, वो भी 5 to 5.5 liters ही होता है. कितना ब्लड होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में? नॉर्मली 5 to 5.5 liters. तो अब आप समझ जाओ कि 5 liters बेसिकली आया कहाँ से. हमारी बॉडी का जो ब्लड है टोटल, एक मिनट में हार्ट इतना ही पंप करता है. ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो, इतना ही बस सिंपली याद रखो, डेफिनेशन याद रखो, वैल्यू कितनी है 5 liters पर मिनट. और आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में भी 5 liters के आसपास ही खून होता है. ठीक है, तो इस तरीके से ख़त्म होती है हमारी कार्डियक साइकिल. अब हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं हार्ट साउंड्स के ऊपर.
क्योंकि हार्ड साउंड्स के ऊपर जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो बेसिकली यहाँ पे हम S1 और S2 के बारे में बात करेंगे। S3, S4 आप लोगों को आई होप समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो S1 और S2, S1 को हम और क्या बोलते हैं, लव। S2 को बोलते हैं हम डब, ठीक है। लव कब प्रोड्यूस होता है, S1 हार्ट साउंड लव कब प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ योर ट्राइक्यूस्पिड वाल्व। ये कब प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ योर सेमिल्यूनर वाल्व्स। यदि मैं कार्डियक साइकिल में पूछूं तो ड्यूरिंग योर वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, और ये ड्यूरिंग योर वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल। समझा, ठीक है। लव डब, ये ट्राइक्यूस्पिड वाल्व के क्लोजर से प्रोड्यूस होता है, ये सेमिल्यूनर वाल्व के। कार्डियक साइकिल की मैं बात करूं तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान प्रोड्यूस होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान प्रोड्यूस होता है। बाकी S3 S4 आपको क्लियर था। S3 कब होता है, S3 भी जो है आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान ही होता है, जब आपका ब्लड की रैपिड फिलिंग होती है वेंट्रिकल्स में। और S4 कब होता है, S4 जो है जब आपकी एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उस दौरान जो है वो S4 प्रोड्यूस होता है। और S4 जो है वो बहुत ही ज़्यादा फीबल साउंड होता है, ऐसे नॉर्मली स्टेथोस्कोप से आप नहीं सुन सकते हो। स्टेथोस्कोप की बात आई है तो मैं यही बता ही दूँ कि जैसे कि स्पायरोमेट्री में हमने यूज़ किया था स्पायरोमीटर, उसी तरीके से हार्ट साउंड्स को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टेथोस्कोप। आप लोगों ने नॉर्मली स्टेथोस्कोप सभी ने देखा होगा, डॉक्टर्स के पास होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब ECG की। ECG क्या होता है, एक होती है आपकी ECG की मशीन, ठीक है, एक होती है आपकी ECG की रिपोर्ट, ऑल राइट। और एक होती है आपकी रिपोर्ट जो आप पेपर में देखते हो, है ना। तो यहां पे जो है हम मशीन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। और वो जो पेपर टाइप स्लिप आप देखते होगे, एक रिपोर्ट रहती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज योर मशीन, ECG मशीन, ठीक है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो आपका जो पेपर स्ट्रिप आप ऑब्टेन करते हो, ठीक है। तो ECG आपके बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। एक आपका वो वाला ECG होता है जिसमें एक पेपर स्ट्रिप निकल के आती है, और एक आपका बेड साइड ECG होता है जो आप ICUs में देखते हो। तो ECG इज नॉट अ सिंगल काइंड ऑफ ECG मशीन, ठीक है। अब ECG के साथ की वजह से जो है हम क्या ऑब्टेन करते हैं, ECG की वजह से हमें कर्व ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो ये GK की बात थी, वैसे इसको मैं यहीं पे मिटा देती हूँ, ठीक है। तो एक जब हम एक स्टैंडर्ड ECG की बात करते हैं तो हम ऑब्टेन कैसे करते हैं, एक हमारी स्किन जो है वो रेजिस्टेंट होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। स्किन जो है वो बहुत अच्छा बैरियर, एक रेजिस्टेंट का काम करती है। स्किन इज़ नॉट योर वेरी गुड कंडक्टर, ठीक है, ड्राई स्किन ऑफ इलेक्ट्रिकल करेंट्स। तो बेसिकली हम एक जेली लगाते हैं ECG करने से पहले स्किन में, जिसकी वजह से क्या है कि करंट जो है वो आसानी से आपकी पल्स को ग्रैस्प कर सके, ऑलराइट। अदरवाइज स्किन जो है आपके बैरियर की तरह काम करती है। तो आपने देखा होगा किसी को यदि ECG करते हो तो पहले हम एक जेली लगाते हैं। और एक स्टैंडर्डाइज ECG की यदि मैं बात करूँ तो हम यहाँ पे सिर्फ 3 लीड्स की बात करेंगे। ऐसे तो जब आप एक मतलब एक काफ़ी अच्छा ECG ऑब्टेन करते हो, जो बेड साइड ECG होता है, तो उसमें मल्टीपल लीड्स लगती हैं। अदरवाइज स्टैंडर्ड की यदि मैं बात करूं तो 3 की हम बात करेंगे, दोनों आपके रिस्ट पे और लेफ्ट, और एक आपकी लेफ्ट एंकल पे, ठीक है। तो कहां दोनों रिस्ट पे और लेफ्ट एंकल पे। अब ECG की वजह से एक ग्राफ देखने को मिलता है,
समझ आया ना मैंने ये क्यों, पहले मैंने उसको जो है काफ़ी बड़ा बना दिया था, फिर मैंने उसको थोड़ा सा छोटा किया, नहीं समझ में आया तो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। इनको आप बोलते हो ECG ग्राफ की वेव्स, ठीक है। ये होती है P, ये होती है आपकी Q, R, S और ये होती है आपकी T वेव, ठीक है। ऑलराइट, अब इन वेव्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है ये हम अब देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ पी वेव की। पी वेव आपकी तब प्रोड्यूस होती है जब आपके एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इट इज ड्यू टू एक्साइटमेंट या फिर डीपोलराइजेशन सॉरी ऑफ एट्रियम, ठीक है। पी वेव कब प्रोड्यूस होती है, जब आपका डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम होता है। क्यू वेव कब प्रोड्यूस सॉरी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहलाता है ये पूरा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कब प्रोड्यूस होता है, जब आप लोगों का वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पी वेव, पी वेव आती है जब आपके एट्रियल, जो दोनों एट्रियम होती है ना, उनका कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। और जो कि आप इंटेंसिटी देख सकते हो, मतलब एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन होने की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, उसकी वजह से जो है वो इतना चेंजेस नहीं आते, इसकी वजह से ये वेव जो है वो शॉर्ट रहती है। वहीं जब आप ये देख रहे हो कि वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन QRS कॉम्प्लेक्स में, तो आप देख पा रहे होगे कि कितनी हाई इंटेंसिटी पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो दोनों एट्रियम है उनका क्या काम है, ब्लड को सीधे वेंट्रिकल्स में पुश करना। पर वेंट्रिकल्स का क्या काम है, ब्लड को जो है आपकी पूरी बॉडी तक पहुंचाना। दैट इज वाई ये जो आपकी ये वाली पीक रहती है वेंट्रिकल्स की बहुत बड़ी रहती है। अब बात आती है टी वेव का क्या सिग्निफिकेंस है। टी वेव रिप्रेजेंट करती है आपके वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन को। ठीक है, दैट इज द रीजन मैंने पहले टी वेव को काफी ऊंचा बना दिया था, पर फिर मैंने उसको रब किया और उसको थोड़ा नीचे किया। क्यों? क्योंकि ये एट्रियम के एक्साइटमेंट, डीपोलराइजेशन या कॉन्ट्रैक्शन को बताता है पी वेव, और टी वेव जो है वो रिलैक्सेशन को बताता है। और रिलैक्सेशन तो ऑफकोर्स रिलैक्सेशन की इंटेंसिटी कम ही होगी, ठीक है। अब आप पूछोगे कि मैम आपने एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन बता दिया, एट्रियल का रिलैक्सेशन तो बताया नहीं, डायस्टोल, ठीक है। एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल, डायस्टोल तो बताया नहीं। डायस्टोल जो है वो बाकी पूरी साइकिल में चलता रहता है, तो उसका इतना कोई सिग्निफिकेंस रहता नहीं है। अब बेसिकली होता क्या है कि जब आपने किसी की ECG स्ट्रिप देखी होगी, तो पी और टी इतनी सिग्निफिकेंटली दिखती नहीं है, पर जो वेव बहुत सिग्निफिकेंटली दिखती है वो होती है आपकी QRS। ऑलराइट, तो आपने किसी की ECG स्ट्रिप देखी होगी, तो और आप जब ड्रॉ भी करते तो आप ऐसे ऐसे करके ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे जो है आप हार्ट बीट्स ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली पी और टी जो है इतने सिग्निफिकेंटली दिखते नहीं है, तो वो नॉर्मल होता है, बट QRS काफ़ी सिग्निफिकेंटली दिखता है। तो ये जब एक ग्राफ जैसा ऑब्टेन होता है ना, तो हम QRS कॉम्प्लेक्सेस को काउंट करके हम पता कर सकते हैं कि एक मिनट में बंदे की कितनी हार्ट बीट है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया का मतलब होता है कि जब 72 बीट से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। आप लोगों की नॉर्मल लैंग्वेज में जब हार्ट बीट ज़्यादा हो जाए तो उसको टेकीकार्डिया बोलते हैं, और ब्रेडीकार्डिया कब बोलते हैं, जब हार्ट बीट 72 से कम हो जाए, ठीक है। तो इनको जो है हम काउंट करके पता कर सकते हैं कि 60 सेकेंड्स के फेज में जो है वो कितनी हार्ट बीट आ रही है। तो हम बेसिकली किसको काउंट करते हैं, हम QRS कॉम्प्लेक्स को काउंट करके देखते हैं। और आइडियल ECG का शेप तो ये होता है वेव का, और इसमें किसी भी तरीके का डिफेक्ट या चेंज होता है ना, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि पूरी कार्डियक साइकिल के किस फेज में डिफेक्ट है। जैसे कि बहुत क्लियर कट है कि पी वेव में डिफेक्ट है तो ऑफकोर्स कुछ एट्रियम में डिफेक्ट होगा, QRS में डिफेक्ट है तो ऑफकोर्स कुछ वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन में डिफेक्ट होगा।
तो इस तरीके से ईसीजी वेव जो है वो क्लिनिकली काफ़ी सिग्निफिकेंट होती है। आपने भी देखा होगा कि जब आपके पेरेंट्स या फिर आपके दादा या दादी, उनको कुछ भी यदि प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर सबसे पहले ईसीजी ही आप लोगों को सजेस्ट करते हैं डायग्नोसिस में। तो उसका रीज़न ये होता है कि आपके हार्ट में यदि थोड़ी सी भी एबनॉर्मैलिटी है तो ईसीजी जो है वो क्लिनिकली काफ़ी अच्छे से कैच कर सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू।